स्टूडेंट्स वेलकम टू बी एस ट्यूशन क्लासेस। आज पढ़ेंगे बिस्ता से ऑन द फेस ऑफ इट का थर्ड पार्ट। ओके, और पढ़ेंगे देखिए एकदम लास्ट से मिस्टर लैम जो लिखा है बाद से। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल एकदम नया है और मैं ट्राई करूँगा कि आप बेहतर से बेहतर समझें, जितने आसानी से मैं समझा सकता हूँ आपको। ओके, तो लास्ट में क्या था, डेरी कहता था कि आई डोंट लाइक बींग नियर पीपल, मैं लोगों के सामने जाना पसंद नहीं करता हूँ। ओके, When they stare, when I see them being afraid of me, जब मुझे वो देखते हैं ना तो मैं देखता हूँ कि वो लोग कैसे डरते हैं मुझको देखने के बाद। तो मिस्टर लैम कहता है यू कुड लॉक योर सेल्फ अप इन ए रूम एंड नेवर लीव इट। तुम एक काम कर सकते हो डेरी, तुम एक रूम में खुद को लॉक कर दो और बाहर से कभी मत बाहर होना, तब बेटर होगा। देयर वॉज अ मैन हु डिड दैट, एक आदमी था जिन्होंने सेम टू सेम ऐसा ही किया था, जो अपने आप को लॉक कर दिया था रूम पर। उसके बाद क्या हो, देखिए ही वॉज एफ्रेड, वो हर एक चीज से डरता था। यू सी, जब जैसे तुम जैसे देखते हो ना वैसे वो भी, जहाँ पर भी जिसको भी देखता था ना वो डरता था। ऑफ एवरीथिंग, हर किसी चीज़ को देखने के बाद डरता था। एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में जो जो चीज़ें हैं उसको देख के वो डरता था। ए बास माइट रन हिम ओवर, एक बार अगर उसको कुचल के चला गया तो, ये सोच के डरता था। और ए मैन माइट ब्रेथ डेडली जाम्स इन टू हिम, और एक व्यक्ति अगर ज़ोर से सांस लेगा, ओके, अगर वही सांस लेते वक्त अगर जाम्स उसके नाकों से अगर आके अगर उसके ऊपर आएगा तो वो मर सकता है। और ए डोंकी माइट किक हिम टू डेथ, अगर एक गधा उसको किक कर दे, लात मार दे अगर वो मर गया तो। और लाइटनिंग माइट स्ट्राइक हिम डाउन, अगर उसके ऊपर अगर बिजली गिर गया तो। ही माइट लव ए गर्ल एंड द गर्ल वुड लीव हिम, अगर वो एक लड़की से प्यार करता है और वही लड़की अगर उसको छोड़ के चला जाता है तो। एंड ही माइट स्लीप ऑन ए बनाना स्किन एंड फॉल एंड पीपल हु शॉ हिम वुड लाफ एंड देयर हेड्स ऑफ, अगर वो चलते चलते एक बनाना केले के छिलके पर अगर पैर रखता है, अगर फिसल के गिर जाता है और लोग उसको देख कर अगर हंसता है तो क्या होगा। सो ही वेंट इनटू दिस रूम, और इसके लिए वो क्या किया, इतना सोचते थे तो वो एक रूम पे चला गया और खुद को रूम में लॉक कर दिया। एंड लॉक द डोर एंड गॉट इनटू हिज बेड, और बिस्तर पर ही रहा। एंड स्टेड देयर, और उस रूम पर ही बहुत टाइम तक रहा। डेरी ने पूछा फॉरएवर, हमेशा के लिए ऐसा किया गया, हमेशा के लिए अपने आप को बंद कर दिया क्या। मिस्टर लैम ने कहा फॉरएवर, कुछ समय के लिए बंद कर दिया। डेरी ने कहा देन व्हाट, उसके बाद क्या हुआ। तो मिस्टर लैम कहता है उसके बाद क्या हुआ, ए पिक्चर फेल ऑफ द वॉल ऑन टू हिज हेड एंड किल्ड हिम, एक वॉल में एक पिक्चर था, वो पिक्चर उसके सर पे बल गिरा और वो मर गया। डेरी लाफ्स अ लॉट, और डेरी ये सुन के बहुत हंसता है। मिस्टर लैम कहता है यू सी, देखा तुमने, तुम भी हंस रहे हो ये सुन के। हाँ, डेरी कहता है बट यू स्टिल से पिक्यूलियर, तुम अभी भी अजीब सा बात कर रहे हो इसीलिए मैं हंस रहा हूँ। थिंग्स, मिस्टर लैम कहता है पिक्यूलियर टू सम, कुछ लोगों के लिए ये अजीब सा बात है, कुछ लोगों के लिए अजीब लगता है ये बातें, ठीक है। डेरी फिर से कहता है व्हाट डू यू डू ऑल दे, तुम पूरा दिन में क्या करते हो। डेरी लैम को पूछता है, लैम कहता है सीट इन द सन, मैं धूप में बैठता हूँ, रीड बुक्स किताबें पढ़ता हूँ। यू थॉट इट वॉज ए एम्प्टी हाउस, तुम सोच रहे हो कि ये जो घर है ये पूरा का पूरा खाली है, बट इनसाइड इट्स फुल, लेकिन अंदर तुम जाके देखो पूरा भरा हुआ है, अंदर का रूम बुक्स एंड अदर थिंग्स, किताबों से भरा हुआ है, दूसरे सामानों से भरा हुआ है, रूम फुल एकदम फुल है, भरा हुआ है हर किसी चीज़ों से। डेरी पूछते बट देयर आरंट एनी कर्टेंस एट द विंडोज, कि ऐसा कर, लेकिन वो जो खिड़की पे तो एक भी वो कर्टेंस पर्दा नहीं दिख रहा, पर्दा क्यों नहीं है खिड़की पे। मिस्टर लैम कहता है आई एम नॉट फॉन्ड ऑफ कर्टेंस, मुझे कर्टेन पर्दा पसंद नहीं है, शटिंग थिंग्स आउट शटिंग थिंग्स इन, बाहर का चीज़ों को बंद करके रखना, अंदर की चीज़ों को बंद करके रखना, ये मुझे पसंद है। आई लाइक द लाइट एंड द डार्कनेस, मुझे लाइट भी पसंद है और मुझे डार्कनेस भी पसंद है। ओके, मुझे उजाला भी पसंद है, मुझे अंधकार भी पसंद है। एंड द विंडोज ओपन टू हेयर द वाइंड, और विंडो जब मैं खुला रखता हूँ ना तो बाहर से जो हवा आता है वो हवा को सुनने में मुझे मज़ा आता है, कैसा हो ऐसा करके आवाज़ आता है। उसके बाद डेरी पूछता है येस आई लाइक दैट, हाँ मुझे भी तो ये पसंद है। व्हेन इट्स रेनिंग, जब बारिश होता है ना, आई लाइक टू हेयर इट ऑन द रूफ, जब बारिश ये रूप में गिरता है ना, छत पे गिरता है तो जैसे आवाज़ होता है ना, वो आवाज़ सुन के मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है। मिस्टर लैम ने कहा सो यू आर नॉट लॉस्ट आर यू, नॉट ऑल टुगेदर, और यहाँ पर कहता है हाँ तो फिर तुम अभी तक खोए नहीं हो, हाँ तुमको तो कुछ अच्छा लगा, इसका मतलब अभी तक तो उसको हर एक चीज़ गलत लगता था, बुरा लगता था, लेकिन यहाँ पर मिस्टर लैम ने कहा सो यू आर नॉट लॉस्ट, तुम अभी तक खोए नहीं हो, आर यू खोए हो क्या, नॉट ऑल टुगेदर, हाँ पूरा का पूरा भी खोए नहीं हो, तुमको कुछ चीज़ें तो अच्छा लगता है, यू डू हेयर थिंग्स, अच्छा तुमको सुनना पसंद है, लिसन। ओके, तो डेरी बोलता है दे टॉक अबाउट मी, लोग मेरे बारे में जब बोलता है ना, दे मतलब
इसका फैमिली मेंबर के बारे में बता रहा है कि जो डेरी का फैमिली मेंबर है ना, वो जब डेरी के बारे में बोलता रहता है, बातचीत करता है, गॉसिपिंग करता है डाउन स्टेयर, मतलब उसके घर के नीचे, ठीक है, जब उसके फैमिली मेंबर बातचीत करता है, व्हेन आई एम नॉट देयर, जब मैं वहाँ पर नहीं होता हूँ, तब वो लोग बातचीत करता है, क्या व्हाट विल ही एवर डू, डेरी क्या करेगा, व्हाट्स गोइंग टू हैपन टू हिम व्हेन वी हैव गॉन, और जब हम इस दुनिया से चले जाएंगे तो डेरी क्या करेगा। उसके पिताजी माताजी ये बोल रहा होगा कि हम जब इस दुनिया से चले जाएंगे तो डेरी क्या करेगा, हाउ एवर विल ही गेट ऑन इन दिस वर्ल्ड, इस दुनिया में वो क्या करेगा, ऐसा जो है लुकिंग लाइक दैट, ऐसे चेहरा है उसका, ऐसे दिखाई उसको दिखता है, तो वो कैसे चलेगा इस दुनिया में, विद दैट ऑन हिज फेस, जो उसके चेहरे पर है, दैट्स व्हाट दे से। तो ये सब बातें वे लोग हमारे पेरेंट्स करते हैं मेरे बारे में, डेरी बोल रहा है किसको, मिस्टर लैम को, और मिस्टर लैम बोलता है, लॉर्ड बॉय यू हैव गॉट टू आर्म्स, देखो बच्चे तुम्हारा दो हाथ मिला है तुमको, दो लेग मिला है, आइस मिला है, एयर मिला है, कान मिला है, यू हैव गॉट ए टंग, तुमको क्या मिला है, तुमको जीभ भी मिला है, एंड ब्रेन, एंड तुमको ब्रेन भी मिला है यार, ओके, यू विल गेट ऑन द वे यू वांट, तुमको जैसे पसंद वैसे रहो ना, लाइक ऑल द रेस्ट, जैसे दूसरे लोग रहते हैं, एंड इफ यू चूज एंड सेट योर माइंड टू इट, यू कुड गेट ऑन बेटर देन ऑल द रेस्ट, तुम अगर चाहो तो दूसरे से भी बेटर कर सकते हो, तुम सिर्फ एक काम में फोकस करो, जो तुमको अच्छा लगता है उस काम पर फोकस करो, उस काम पर लगे रहो, तो तुम दूसरे से भी बेटर कर सकते हो। तो मोटिवेशन दे रहे, और ये सच्ची बात है यार, मोटिवेशन ही रियल बातें हैं, कि कोई भी इंसान अगर पूरा डट के रहे ना, वो कोई भी हद तक जा सकता है, वो अपने कामयाब के लिए, उसको वो या फिर उसका हाथ हो या फिर ना हो, जैसे आप लोगों को बताता हूँ, अरुणिमा सिन्हा जिसका पैर काट गया था, ओके, पूरा रात उसके पैर के ऊपर कितना ट्रेन चला गया होगा, उसका पैर काट गया, फिर भी देखिए वो माउंट एवरेस्ट पर फतेह किया। हाँ, कोई भी इंसान कुछ भी कर सकता है। उसके बाद देखिए, मतलब मिस्टर लैम डेरी को मोटिवेटेड कर रहा था, डेरी ने बोला हाउ, कैसे मैं हो सकता हूँ, कैसे कर सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है सेम वे एज आई डू, सेम जैसे मैं कर रहा हूँ वैसे करो। डेरी कहता है डू यू हैव एनी फ्रेंड्स, तुम्हारे क्या दोस्त है। मिस्टर लैम कहता है हंड्रेड्स, 100 के बराबर है मेरे दोस्त। डेरी बोलता है बट यू लिव बाई योर सेल्फ इन दैट हाउस, तुम तो अकेले रहते हो इस घर पे, इट्स अ बिग हाउस टू, ये तो बहुत बड़ा घर है, और यहाँ पर तो मुझे कोई भी दिखाई नहीं दे रहा। मिस्टर लैम कहता है फ्रेंड्स एवरीवेयर, हर जगह पर मेरा फ्रेंड है, पीपल कम इन, लोग आते हैं मुझसे मिलने, एवरीबडी नोज मी, हर एक व्यक्ति मुझसे पहचानते भी है, द गेट्स ऑलवेज ओपन, वेज ए गेट है हमेशा ओपन रहता है, खुला रहता है, दे कम एंड सीट यार, वो आते हैं यहाँ पर बैठते हैं मेरे साथ, एंड इन फ्रंट ऑफ द फायर इन विंटर, और ठंडे के मौसम में तो मैं यहाँ पर आग जलाता हूँ, तो वो आग को सेकने के लिए भी आते हैं, मुझसे बातचीत करते हैं। किड्स कम फॉर द एप्पल्स एंड पियर, किड्स फलों के लिए आते हैं, फल लेने के लिए आते हैं बच्चे, एंड फॉर टॉफी, और वो टॉफी लेने के लिए भी आते हैं। आई मेक टॉफी विद हनी, जो मुझे मधु मिलता है वो मधु से मैं चॉकलेट बनाता हूँ, टॉफी बनाता हूँ, और वो टॉफी बोल लेने के लिए आते हैं। एनीबडी कम्स, हर कोई यहाँ पर आता है, सो हैव यू, जैसे तुम आए हो ऐसे करके सब लोग आते हैं। तब डेरी कहता है बट आई एम नॉट ए फ्रेंड, लेकिन मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ, ओके, पर मैं तो तुम्हारा दोस्त नहीं हूँ। मिस्टर लैम कहता है सर्टेनली यार, हाँ तुम मेरे दोस्त हो, सो फार एज आई एम कॉन्सर्न, जैसे कि मुझे पता है, व्हाट हैव यू डन टू मेक मी थिंक यू आर नॉट, तुमने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते, तुमने ऐसा क्या गलत क्या है क्या कि तुम मेरे दोस्त नहीं हो सकते। डेरी कहता है यू डोंट नो मी, तुम मुझे नहीं जानते तो दोस्त कैसे हुए, यू डोंट नो मी वेयर आई कम फ्रॉम और इवन व्हाट माई नेम इज़, और तुम मैं कहाँ से आया हूँ वो भी नहीं तुमको पता, मेरा नाम क्या है तुमको वो भी नहीं पता, तो दोस्त कैसे हो सकता हूँ। मिस्टर लैम कहता है व्हाई शुड दैट सिग्निफाई, ये क्या हुआ, इसका क्या मतलब हुआ, डू आई हैव टू राइट ऑल योर पार्टिकुलर्स डाउन एंड पुट देम इन ए फिलिंग बॉक्स, क्या मुझे ये करना चाहिए कि तुम्हारा जो बायोडाटा है वो मुझे एक फाइल करके एक बॉक्स में रख देना चाहिए, बिफोर यू कैन बी फ्रेंड, मुझसे मतलब दोस्ती करने से पहले क्या तुम्हारा बायोडाटा में लेके उसको अच्छे से लेके के मुझे के रख देना चाहिए, तभी जाके फ्रेंड होंगे क्या। डेरी कहता है आई सपोज नॉट, नहीं मेरा मतलब ऐसा नहीं था। मिस्टर लैम कहता है यू कैन टेल मी योर नेम, तुम तुम्हारा नाम मुझे बता सकते हो इफ़ यू चूज एंड नॉट इफ़ यू डिडंट, अगर तुमको अच्छा लगता है तो तुम्हारा नाम बताओ, अगर नहीं अच्छा लगता तो मत बताओ। डेरी कहता है डेरी ओनली इट्स डेरेक, देखिए मेरा नाम डेरी है, ओरिजिनल डेरेक है, लेकिन मुझे डेरी पसंद है, मुझे डेरेक पसंद नहीं है, बट आई हेट दैट, मुझे डेरेक पसंद नहीं है लेकिन मुझे डेरी अच्छा लगता है, डेरी मेरा नाम है। इफ़ आई एम योर फ्रेंड यू डोंट हैव टू बी माइंड, आई चूज दैट, अगर मैं तुम्हारा दोस्त हो गया तो तुम मेरे दोस्त होने का ज़रूरत नहीं है, ओके, अगर तुमको मेरे से दोस्ती करना क्या अच्छा नहीं है तो तुम मत करो, ओके, तो मैं तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मेरा दोस्त बनना पड़ेगा, ये कोई बात नहीं हुआ, ओके। मिस्टर लैम कहता है बिल्कुल बिल्कुल, ये ठीक कहा तुमने, सर्टेनली
टेरी फिर से कहता है, आई माइट नेवर कम हेयर अगेन, यू माइट नेवर सी मी अगेन एंड दैट आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड। कहता है कि मैं शायद यहाँ पर वापस ना आऊँ तुमसे मिलने के लिए, शायद कभी तुमसे मुलाकात होगा भी नहीं, तुमसे देखूंगा भी नहीं, तो इसीलिए हमारा फ्रेंडशिप भी तो नहीं रहेगा, आई कुडंट स्टिल बी अ फ्रेंड, तो तुम्हारे साथ मेरा फ्रेंडशिप भी नहीं रहेगा, टूट जाएगा। मिस्टर लैम कहता है, वाइट क्यों नहीं, ऐसा क्यों होगा। डेरी कहता है, हाउ कुड आई, कैसे हो सकता है मैं तुम्हारे साथ फ्रेंडशिप कैसे रह सकता है। जैसे कि देखो, यू पास पीपल इन द स्ट्रीट, तुम्हारे अगल बगल से लोग रास्ते से जाते हैं, एंड यू माइट इवन स्पीक टू देम, तुम शायद उससे बातचीत भी कर लेते हो, बट यू नेवर सी देम अगेन, लेकिन उससे तुम तो दोबारा तो मुलाकात होता नहीं है ना, रास्ते में तो बहुत सारे लोगों से बातचीत हो जाता है ओके, लेकिन उससे तो फ्रेंडशिप नहीं कर सकते ना, वो तो वापस मुलाकात होता भी नहीं है उन लोगों से, इट डजेंट मीन दे आर फ्रेंड्स। तो ये नहीं है कि, इसका मतलब ये नहीं है कि वो तुम्हारा दोस्त हो गया है, ठीक है, डेरी कह रहा था। तो मिस्टर लैम कहता है, डजेंट मीन दे आर एनिमीज आइदर, डज इट, इसका मतलब तो ये भी तो नहीं कि तुम्हारा वो एनिमी है, दुश्मन है क्या तुम्हारा दुश्मन। डेरी कहता है, नो दे आर जस्ट नथिंग पीपल, दैट्स ऑल, नहीं मेरा मतलब ये नहीं था, वो सिर्फ कुछ भी नहीं है, दे आर जस्ट नथिंग, तुम लोग उनसे जो मिलते जुलते हो ना, बातचीत करते हो, उन लोगों से तो कोई रिलेशन ही नहीं है, वो पीपल कुछ भी नहीं है तुम्हारे लिए। मिस्टर लैम कहता है, पीपल आर नेवर जस्ट नथिंग, ऐसा नहीं है कि पीपल कुछ भी नहीं होता, ओके, पीपल रिलेशन होता है लोगों में से। डेरी कहता है, देर आर सम पीपल आई हेट, कुछ लोग हैं जिससे मैं मतलब हेट करता हूँ, जिससे मैं अच्छा नहीं लगता, कुछ कुछ लोग है। मिस्टर लैम कहता है, दैट वुड डू यू मोर हार्म देन एनी बॉटल ऑफ एसिड, एसिड ओनली बर्न्स योर फेस। और मिस्टर लैम कहता है, देखो तुम लोगों से गुस्सा करते हो ना, लोगों को हेट करते हो ना, देखो वो तुम जो लोगों पर गुस्सा करते हो ना, तुमको जो अच्छा नहीं लगता, हेट करते हो लोगों से, ये बहुत हार्मफुल है, ये बहुत ही हार्मफुल है, बहुत ही बुरा है, क्योंकि ये एक जो बॉटल ऑफ एसिड है, एक बॉटल एसिड भी इतना हार्म नहीं करता फेस को, थोड़ा सा फेस को ही तो हार्म करता है एक बॉटल एसिड, लेकिन तुम जो लोगों को हेट करते हो ना, ये बहुत ख़राब है, बहुत हार्म करेगा उससे ज़्यादा। डेरी कहता है, ओनली कुछ कहना चाह रहा था डेरी, कि ओनली ऐसा कुछ कहना चाह रहा था, लेकिन मिस्टर लैम तभी कहता है, लाइक ए बॉम्ब ओनली ब्लू अप माई लेग्स, जैसे देखो एक बॉम्ब मेरे पैर को ही उड़ा दिया, ओके, इसी वजह से मेरा पैर ऐसा है। देयर इज वर्स थिंग्स कैन हैपन, और उससे भी बुरा बुरा हो सकता है, यू कैन बर्न योर सेल्फ अवे इनसाइड, लेकिन तुम अगर एसिड भी अगर लग गया फेस में, सिर्फ एसिड से फेस ही खराब हो सकता है, लेकिन तुम जो लोगों को हेट करते हो ना, ये तुमको इनसाइड से, अंदर से तुमको खराब कर रहा है, अंदर से तुमको बर्न कलर कर रहा है, जला रहा है, ये बहुत ही बुरा है। और सच बात बताया, किसी को हेट करना नहीं चाहिए, हेट करने से अंदर से बर्न होता है, जला डालता है। डेरिक फिर से कहता है, आफ्टर आई हैड कम होम वन पर्सन सेड, मतलब आफ्टर आई हैड कम होम, आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, लेकिन यहाँ पर ये बताया कि जब मेरा फेस जल गया था ना इसी से, हॉस्पिटल से जब मैं घर आया, इसका बात कर रहा है, आफ्टर आई हैड कम होम, मैं जब हॉस्पिटल से घर आया था, वन पर्सन सेड, एक व्यक्ति ने कहा था, जे यू वुड हैव बीन बेटर ऑफ स्टॉपिंग इन देयर, एक व्यक्ति ने कहा कि अच्छा होता कि उसको हॉस्पिटल में ही छोड़ देते, इन द हॉस्पिटल यू वुड बी बेटर ऑफ विथ अदर्स लाइक हिमसेल्फ, वो अगर उस हॉस्पिटल में तो सेम टू सेम डेरी के जैसे और भी कोई लोग है, सेम टू सेम है, तो उधर अगर और भी लोग है, डेरी अगर उन लोगों को देखेगा तो डेरी को फील बेटर होगा, डेरी को अच्छा लगेगा। शी थिंक्स ब्लाइंड पीपल ओनली आउट टू बी विथ अदर ब्लाइंड पीपल एंड इडियट बॉयज विथ अदर इडियट बॉयज, ओके। त्यार पर कहा कि उन महिला, वो जो औरत थे, वो औरत के हिसाब से जो अंधा लोग है ना, वो अंधे लोगों के साथ रहना चाहिए, जो इडियट बॉयज है वो इडियट बॉयज के साथ रहना चाहिए। देखिए मेरा घर वाले ऐसे ऐसे बोल रहे थे तो मैं क्या करो, मुझे तो गुस्सा आएगा ही लोगों से, मुझे तो हेट करना ही पड़ेगा। मिस्टर लैम कहता है, एंड पीपल विथ नो लेग्स ऑल टुगेदर, जैसे कि लोगों का जो जिस लोगों का पैर नहीं है, वो बिना पैर लोगों के साथ रहना पड़ेगा, है ना तुम्हारे हिसाब से। देने का दैट्स राइट, हाँ ऐसा ही है। मिस्टर लैम फिर से समझाता है कि व्हाट काइंड ऑफ ए वर्ल्ड वुड दैट बी, तो सोचो कि वो कैसे जिंदगी होगा, वो कैसे दुनिया होगा जहाँ पर बिना पैर वाले लोगों के साथ बिना पैर वाले रहेंगे, इडियट बॉयज के साथ इडियट रहेंगे, ब्लाइंड पीपल के साथ ब्लाइंड पीपल रहेंगे, तो वो कैसे दुनिया होगा, जरा बताओ, जरा सोचो। फिर कहता है, एटलीस्ट देयर वुड बी नोबडी टू स्टेयर एट यू बिकॉज यू वरेंट लाइक देम, तो कम से कम वहाँ पर ऐसा होगा कि तुमको ज़्यादा लोग ताकेंगे नहीं, घूरेंगे नहीं, ओके, तुमको कम से कम कष्ट नहीं होगा कि लोग तुमको झांक रहा है, ताक रहा है, तुम्हारे ऊपर कमेंट तो नहीं करेगा, कम से कम वहाँ पर, डेरी बोल रहा था। मिस्टर लैम कहता है फिर से, सो यू थिंक यू आर जस्ट द सेम एज ऑल द अदर पीपल विद बर्न्ड फेस,
मिस्टर लैंग कहता, हाँ अच्छा, तुम तो फिर ये सोच रहे हो कि तुम्हारे जैसे और भी जो लोग हैं, फेस में बर्न है, जला हुआ है, तुम उस वैसे लोगों से, वैसे लोग तुम्हारे जैसे जो है, तुम उन लोगों से तुम कंपेयर कर रहे हो खुद को, तुम क्या वैसे लोगों से ही मिलते जुलते है क्या? जस्ट बाई वाट यू लुक लाइक, जैसे तुम दिखते हो, इसी वजह से तुम उन लोगों से कंपेयर करते हो खुद से। एवरीथिंग डिफरेंट, हर कोई व्यक्ति डिफरेंट होता है यार, एवरीथिंग इज द सेम, जैसे हर कोई चीज़ एक होता, कुछ कुछ चीज़ एक होता है, बट एवरीथिंग इज डिफरेंट, लेकिन हर एक चीज़ डिफरेंट होता है इटसेल्फ। डेरी कहता है, हाउ डू यू मेक ऑल दैट आउट, तुम कैसे बना लेते हो ये सब, तुम मुझे जो समझा रहे हो ये कैसे मतलब कर पाते हो तुम, बोलो। मिस्टर लैम कहता है, वॉचिंग, लिसनिंग, थिंकिंग, मैं देखता हूँ, सोचता हूँ, सुनता हूँ। ओके, डेरी कहता है, आई वुड लाइक ए प्लेस लाइक दिस, मैं ऐसे प्लेस को बहुत लाइक करता हूँ, ए गार्डन जैसे जिस गार्डन में तुम रहते हो। आई वुड लाइक ए हाउस विथ नो कर्टेंस, जिस घर में कुछ पर्दा नहीं हो, मैं मुझे वो घर पसंद है। मिस्टर लैम कहता है, गेट्स ऑलवेज ओपन, तो गेट तो हमेशा ओपन है, आ जाओ तुम यहाँ पर, कोई टेंशन नहीं है। डेरी कहता है, बट दिस इजेंट माइन, लेकिन ये तो मेरा नहीं है ये गार्डन। मिस्टर लैम कहता है, एवरी थिंग योर्स इफ यू वॉन्ट इट, अगर तुमको चाहिए तो ये हर एक चीज़ तुम्हारा है। व्हाट्स माइन इज एनीबडीज, जो मेरा है वो हर किसी का है। डेरी कहता है, सो आई कुड कम हेयर अगेन इवन इफ़ यू वेयर आउट, आई कुड कम हेयर, तो मैं क्या यहाँ पर आ सकता हूँ दोबारा, अगर आप यहाँ पर नहीं हुए, अगर आप बाहर चले गए किसी काम से, फिर भी मैं यहाँ पर आ सकता हूँ क्या इस गार्डन में? मिस्टर लैम कहता है, सर्टेनली, बिल्कुल बिल्कुल आ सकते हो तुम, यू माइट फाइंड अदर हेयर ऑफ कोर्स। तो वो कह रहा है, मिस्टर लैम कह रहे हैं, अगर मैं नहीं हुए, मैं अगर बाहर चला गया किसी काम से, तो तुमको यहाँ पर दूसरे लोग मिल जाएगा। ओके, तुम आ जाना आराम से। देर कहता, ओ अच्छा। मिस्टर लैम कहता है, वेल दैट नीडन टू स्टॉप यू, यू नीडन टू माइंड, अगर वो लोग यहाँ पर आएगा तो तुमको कुछ टेंशन करने का ज़रूरत नहीं है, तुमको कुछ चिंता करने का ज़रूरत नहीं है, आराम से यहाँ पर आके काम करना जो करना है तुमको। ओके, तुमको टेंशन लेने का ज़रूरत नहीं है, दिमाग में लगाने का ज़रूरत नहीं कि दूसरा लोग भी है, क्या करेगा, क्या कहेगा। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ तक हम स्टॉप करेंगे और नेक्स्ट पार्ट लेके आऊँगा, डेरी लास्ट ये लाइन से। ओके, अगर ये समझ में आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर है, जाइए और पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट देख लीजिए, तभी जाके ये समझ में आएगा। थैंक यू सो मच।